and Joseph. Welcome to St. Joseph YouTube channel. So student, today we discuss our exercise 3.5. So question number 1 is true false. So do it self. Now we let's see question number 2. So what is the question number 2 is 60. Aapko 60 given hai, theek hai? Uske two types of factorization ke a and b part mein. So aapko dono ke jo missing parts hai aapko write karne hai, theek hai? Jab hum 60 ki baat kar rahe hain first wale part ki, isko two parts mein divide kiya gaya hai. 60 ko 6 into 10 and is 6 10 ya 60. Okay, ab 6 hai, 6 ko ek part hame given hai 2, to dusra part kya hoga? 2 3 ja 6. So iska second part kya ho jayega? 2 3 ja 6. Next 10, 10 को two parts में divide करना है, यानी कि 5 two या 10, so इसका next part is 2. Now जब हम बात कर रहे हैं 60 की, तो 60 को two parts में again divide किया गया है. 30 and second part is missing. So 30 first part है, तो second part हमारा क्या है? 30 two या 6, यानी कि 30 two या 60. So 30 को three two part में break किया गया है, 10 and second part is missing. So 3 10 या 30. अब 10 को भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सो 5 एंड 2, इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच फैक्टर्स आर इंक्लूडेड द प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर. सो मैं क्या बोल रहा हूं, ये ऐसा कौन सा नंबर है जब हम कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसमें इंक्लूड नहीं होता है. सबसे पहले तो व्हाट मीन ऑफ दैट अमाउंट कंपोजिट नंबर. सो व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर इज मोर देन हैविंग टू फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. इट मींस इफ आई एम टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ कंपोजिट नंबर 1 2, इसका क्या है? 6 है. सो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 6, यानी कि दिस नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइम नंबर, इफ 2 इज प्राइम नंबर, सो फैक्टर इज 1 एंड 2. ओके, अगेन आई एम टेकिंग वन प्राइम नंबर, 1 एंड 13 इज फैक्टर ऑफ 13. सो हमने क्या देखा, हम क्या बोल सकते हैं? सो हम तो पूछ रहे हैं कि जो कंपोजिट नंबर है हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं लाइक दैट दिस टाइप. सो मैंने क्या करूंगी डायरेक्टली, ऐसा सॉल्व कर दूंगी, ठीक है? सो क्या है, ऐसा कौन सा नंबर है जो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं होता है कभी भी? सो दैट इज 1, क्योंकि मैं 1 से नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास इसकी क्या है, मोर देन टू हैविंग फैक्टर. सो तो 1 के अलावा और इटसेल्फ के अलावा भी मेरे पास इसके फैक्टर करने के लिए फैक्टर नंबर्स होते हैं, ठीक है? सो 1 इज आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर. सो आपको क्या है ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर? ये स्टेप आपने टेल मी व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर? 499, यस करेक्ट. सो इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. सो 999 हम इसमें टू टाइप्स कर सकते हैं, जो हमारा 60 वाला गिवन था ये हमारा ट्री मेथड था, तो इसको भी हम इस टाइप से कर सकते हैं. सो मैं आपको इस टाइप से करके दिखा देती हूं. 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट नंबर इवन नहीं है. सो 3 से करें तो इनका सम देख लेंगे हम लोग, इनका सम कितना हो जाएगा? 36 होगी. इट कैन डिवाइड बाय 3. सो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अगेन वी कैन डिवाइड 3, 1 1 1 1, ठीक है? इट इज कंप्लीट नंबर 1111. ओके, सो इसको नेक्स्ट टाइम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 11 से डिवाइड करते हैं. सो 11 से डिवाइड करके देखो, 11 कंस 11. नाउ वी राइट हैव 1, वी कैन नॉट डिवाइड 1, सो भाग टूट की 0. सो 11 कंस 11, सो कितना आया 101. सो वी राइट हैव 101, ठीक है? सो इसका 101 का 101 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स होता है, ठीक है? और हम इसको ट्री मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. ये हमारा 9999 है, सो हमने इसको ब्रेक किया जिससे इसमें टू पार्ट्स में, कौन कौन से पार्ट में? 3, एक फैक्टर हमने इसका किया 3 और सेकंड फैक्टर हमने इसका किया 3333, ठीक है? अब 3 का तो 3 होता है, अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं किसमें? टू पार्ट में 3 एंड 3 वन जा 3, ये हमने इसको सॉल्व किया था, ठीक है? अब 11 से जब हमने इसको सॉल्व किया, सो व्हाट वी गेट नाउ? 101. ओके, सो इट इज आवर आंसर. इसको हम किसी भी टू पार्ट में ब्रेक नहीं कर पा रहे, सो एस का एस, ठीक है? सो नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5?
number. Tell me. 10,000? Yes, 10,000. ठीक है, so हम इसका भी कर लेते हैं 10,000. So 2 से हो जाएगा because last digit is 0. We can divide it by 2. 5 जा 10. 3 0 is as it is. Again divisible by 2. 2 जा 4. अब 5 minus 4 is 1. So 10 again to 5 जा 10. 3 0 0. Again इसको divide करने वाले हैं 2 से ही हो जाएगा because last digit is 2 1 जा 2. 2 2 जा 4. So 5 minus 4 is 1. 1 and 0. एक साथ ऐड करेंगे 10 हो गया तो 2 5 का 10 ठीक है. सो अब अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 6 का 12 2 2 का 4 2 5 का 10. अब ये 5 से होगा ठीक है. 5 5 का क्योंकि लास्ट में 5 5 5 का 5 अंदर 5 यहां से इतना बच गया 12 हो जाएगा. ये 5 2 का 10 फिर 2 बच गया तो 5 5 का 25. अगेन वी डू 5 5 2 का 10 ठीक है. फिर 25 5 5 25 फिर 5 5 25. सो इट इज आवर आंसर. सो हम इसको ट्री मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो ट्री मेथड से हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमने इसको ब्रेक किया टू पार्ट्स में. सो वी गेट 5000 ठीक है. अब 5000 को भी टू पार्ट्स में ब्रेक किया तो वी गेट 2500. सो अब इसको भी टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे 2 से ही. सो कितना आया था 1250 जब इसको दो पार्ट में ब्रेक किया. सो व्हाट वी गेट नाउ ठीक है. अब इसको भी दो पार्ट में ब्रेक किया तो कितना आया 125. ये ना हमने ब्रेक किया था इसको ठीक है. अब इसको हमने सिर्फ ब्रेक किया तो कितना आया 25 को भी हमने ब्रेक किया 5 एंड 5 ठीक है. सो इट इज अवर आंसर. ओके सो नाउ द मोर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1729 का भी हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. सो कर लेते हैं हम 1729. सो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें ठीक है. सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसका फैक्टराइजेशन किससे कर सकते हैं. सो आपको डिफरेंट डिफरेंट रूल लगाने पड़ेंगे ठीक है. सो एक बार देखना पड़ेगा कि किससे कंप्लीट है डिवाइड हो रहा है. सो मैं यहां पर 7 से बात करती हूं तो 7 जैसे 7 2 जा 14 ठीक है. 7 2 जा 14 हो गया. 14 17 माइनस 14 3 तो कितना हो जाएगा 32 है ना. 7 4 जा 28 तो कितना हो गया 32 माइनस 28 कितना आ जाएगा 4. 7 7 जा 49 यानी कि कंप्लीट टाइम डिवाइड हो गया 247 टाइम. अब इसको अगेन मैं डिवाइड कर रही हूं 13 से ठीक है. 13 10 जा 13 तो 24 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1. 2 माइनस 1 1. सो कितना आ गया 11 ठीक है. 11 आ चुका है मेरे पास. अब यहां पे कितना तो ये 13 से जब मैंने इसको किया था कितना टाइम डिवाइड हुआ 19 से 19 टाइम की ये हो गया ठीक है. अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन प्री मेथड से भी कर सकते हैं. 729 इसको डिवाइडेड किया हमने टू पार्ट्स में 13 इसको 17 7 एंड कितना मिला इसको मैंने टू टाइम में ब्रेक किया तो 247 247 को डिवाइड किया 13 से. सो व्हाट वी गेट 19 ठीक है. सो हमें क्या बोल रहा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल टू ग्रेटर. 7 into 13 into 19 is our ascending order ठीक है. small to bigger and ये क्या है consecutive number है ना. ये क्या है 7 13 and 19 there are three consecutive prime numbers yes. so now come on question number 7. so what is the question number 7. Question number 7 is the sum of 3 consecutive numbers is always divisible by 6. यानी कि क्या बोल रहा है? जो मतलब 3 consecutive number है, ठीक है? उनका जो sum है या product है तो क्या होगा? 3 consecutive number का जो sum है हम product करेंगे, वो क्या होगा? Divisible होगा always 6
ठीक है, तो हम सिक्स में करेंगे, तो कैसे करेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर है ना, सो प्रोडक्ट करना है, सो हमें प्रोडक्ट करने के लिए थ्री कंसेक्यूटिव नंबर, अब क्या करते हैं, तीन कोई से भी नंबर ले लेते हैं, जैसे सपोज 2 इनटू 3 इनटू 4, सो 2 3 जा 6, 6 6 4 जा 24, सो 24 डिविजिबल बाय 6, यस, नाउ आई एम टैगिंग 7 8 9 नेक्स्ट कौन सा ले लें, हम कुछ भी ले लो, तीन कंजुगेटिव नंबर जैसे कि 4 5 6 है ना, सो वी कैन टेक 4 5 6 अगेन, सो 5 4 जा 20 20 20 26 जा 120, सो हमने क्या देखा, जब हमने थ्री कंजुगेटिव नंबर का सम किया, सो हम क्या देख प्रोडक्ट किया, तो हमने क्या देखा, जो तीन कंजुगेटिव नंबर ले रहे हैं उसमें से एक नंबर 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 से डिविजिबल होगा, इसमें देखा तो 3 से ये है, इसमें देखा तो ये है, ठीक है, अब और कम से कम एटलीस्ट वन नंबर तो क्या होगा, इवन नंबर होगा जो कि 2 का डिविजिबल होता है, तो इसमें हमने क्या मोड देखा, जो 2 और 3 दोनों के डिविजिबल हमारे इन कंसेक्यूटिव नंबर में, तो ये नंबर डिविजिबल होगा ही होगा 6 से, सो इट इज क्वेश्चन नंबर 7, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 8,